हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिम्पल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन तो सत्ताईस अक्टूबर दो हज़ार इक्कीस का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले बता दूं कि क्या क्या हम देखने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे प्रलिम्स क्वेश्चन ऑफ़ द डे Uh, तो स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ़ द डे के साथ पहला सवाल है इनमें से कौन कौन से करेक्टली मैज है मतलब कि आइलैंड्स के नाम लिखे हैं और उनकी लोकेशंस लिखी है तो आपको बताना है कि कहाँ कहाँ ये जो चीज़ें हैं क्या ये सही मैच है या नहीं तो पहला है प्रतास आइलैंड आगे लिखा है ताइवान दूसरा लिखा है सिंके आइलैंड लिखा है इंडिया तीसरा लिखा है बोरा बोरा एंड लिखा है इंडोनेशिया तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्टली मैज कौन से हैं प्रतास आइलैंड के आगे लिखा है इंडोनेशिया ताइवान सिंके आइलैंड के आगे लिखा है इंडिया और तीसरा जो है उसके आगे लिखा हुआ है बुरा बुरा इंडोनेशिया सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन तो ऑप्शन uh, है इसके वन एंड टू सेकेंड है टू एंड थ्री थर्ड है वन एंड थ्री या फोर्थ है वन टू एंड थ्री ठीक है ना दैट इज अ थिंग दूसरा जो सवाल है वो है रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं कह रहा है कि प्रेजिडेंट प्रोक्लेम्स द नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट यानी कि कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन के बाद ही जो प्रेसिडेंट है वो आपका ये इमरजेंसी को घोषित कर सकता है ठीक है ना दिस इज स्टेटमेंट नंबर वन दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि जब एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन होगा तभी जो है आपका प्रेसिडेंट uh, जो है वो इमरजेंसी को घोषित कर सकता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है वन ओनली टू ओनली बोथ या नन uh, ठीक है ना क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज द स्ट्राट्सबर्ग कोर्ट इनमें से किसको स्ट्राट्सबर्ग कोर्ट कहा जाता है ठीक है ना तो आपको बताने इनमें से किसको स्ट्राट्सबर्ग कोर्ट कहा जाता है तो ऑप्शन आपके सामने हैं uh, पहला यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स दूसरा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तीसरा है परमानेंट कोर्ट ऑफ सेटलमेंट या चौथा है इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल तो लेट मी टेल यू दी आंसर्स फॉर दीज थ्री क्वेश्चंस आप पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करिएगा लास्ट मुझे बताइएगा कि आपने कितने सही किए अब पहला जो सवाल था उसमें देखो प्रतास आइलैंड जो है वो तो बिल्कुल साउथ चाइना से ताइवान वाले रीजन में है तो ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतास आइलैंड आप कह सकते हैं ताइवान वाले रीजन में है ना जिसको वो खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं उस वाले रीजन में है ठीक है ना एंड दूसरा सिनके आइलैंड जो वो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का पार्ट है इंडिया में ही है सिंके आइलैंड ये भी सही है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप का पार्ट है बोरा बोरा जो तीसरा इंडोनेशिया लिखा हुआ है ये गलत है ये पोलिनेशिया का पार्ट है ठीक है ना बोरा बोरा इंडोनेशिया ये गलत है ये पोलिनेशिया का पार्ट है तो इसका आंसर होगा वन एंड टू ओनली दूसरा सवाल मैंने पूछा था नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग तो पहला स्टेटमेंट तो देखो सही है कि रिटर्न रिकमेंडेशन लगता है कैबिनेट का ठीक है ना सिर्फ मौखिक नहीं होता रिटर्न रिकमेंडेशन कैबिनेट का लगता है दूसरा स्टेटमेंट लेकिन ज़रूर गलत है क्योंकि प्रेसिडेंट को अगर ये लग रहा है कि एमिनेंट थ्रेट है या प्रेसिडेंट को लग रहा है कि एमिनेंट डेंजर है तो वो सफिशेंट कंडीशन है इमरजेंसी की एक्चुअल वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन होना जरूरी नहीं होता है तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट इसका आंसर होगा वन ओनली तीसरा सवाल है स्ट्रेट्सबर्ग कोर्ट का दूसरा नाम क्या है तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट जो है उसको स्ट्रेट्सबर्ग कोर्ट भी कहा जाता है तो दीज आर द थ्री क्वेश्चन आई होप यू गॉट समथिंग टू लर्न आपको कुछ सीखने को मिला होगा आगे मूव करते हैं हम देखते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ़ द डे की तरफ आज का जो मेंस क्वेश्चन ऑफ़ द डे है डिस्कस द नीड ऑफ़ प्रधानमंत्री अटल प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन आपको डिस्कस करना है कि क्या नीड है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की अभी रिसेंटली कल ही लॉन्च किया गया है मैं आज आपको उसको डिटेल पूरी दे दूंगा तो आप बता सकते हैं कि क्या नीड है ठीक है ना तो प्रधानमंत्री अटल आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की क्या नीड है अब मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं एक एक करके देखते हैं पहली जो न्यूज़ है वो है निपुण भारत मिशन के रिगार्डिंग निपुण भारत मिशन कल न्यूज़ में आया था पीआईबी में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये तो मैं थोड़ा आपको स्कीम के बारे में बता दूं एक्चुअली में निपुण भारत मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर्गत आता है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है फुल uh, फॉर्म है इसका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशियंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी नाम से ही क्लियर है नेशनल इनिशिएटिव है फॉर वॉट नेशनल इनिशिएटिव फॉर वॉट फॉर प्रोफिशियंसी इन रीडिंग मतलब कि पढ़ने में आपको अच्छा बनाना है एंड अंडरस्टैंडिंग द न्यूमरेसी और आपको थोड़ा सा न्यूमरेसी यानी प्लस माइनस जोड़ घटाना गुड़ा भाग ये सब समझ में आए तो इसमें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशियंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी ठीक है ना तो ये आपको याद रखना है मतलब पढ़ो और समझ सको और बेसिक न्यूमरेसी कर सको ठीक है तो ये आपका निपुण भारत मिशन है अब इसका एम है टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी इन फाउंडेशनल लिटरेसी मतलब जो फाउंडेशनल लिटरेसी अगर आप जानते हो अगर लिटरेसी की डेफिनेशन आपने पढ़ी हो तो कहते कहता है लिटरेसी की डेफिनेशन कहती है कि सात साल से कम उम्र के वो बच्चे जो इंग्लिश पढ़ समझ सकते हैं और जो लोग बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीज़न कर सकते हो तो वो हंड्रेड अचीव करना यूनिवर्सल प्रोफिशंसी अचीव करना है और ग्रेड थ्री तक के हाँ हर बच्चे में मतलब तीस तीन ती, तीसरी कक्षा तक के हर बच्चा जो बेसिक इंग्लिश है उसको रीड कर सके अंडरस्टैंड कर सके और जो बेसिक न्यूमरेसी जोड़ घटाना गुड़ा भाग है वो कर सके तो दैट इज द एम ऑफ दिस एंड इट हैज been envisaged द नेशनल national एजुकेशन पॉलिसी एज वेल ट्वेंटी ट्वेंटी की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको एनविसाज भी किया गया है इंप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो निपुण भारत मिशन जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा ठीक है ना तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा यह इंप्लीमेंट होगा मैकेनिज्म रहेगा फाइव टीयर इंप्लीमेंटेशन मैकेजम रहेगा जिसको सेटअप किया जाएगा यानी कि नेशनल स्टेट लेवल पे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर ब्लॉक लेवल पे फिर स्कूल लेवल पे ठीक है तो फाइव मैकेनिज्म में इंप्लीमेंटेशन का नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक देन स्कूल तो ये फाइव टीयर रहेगा सारे स्टेट्स में सारे यूटीज में इसी मैकेनिज्म से काम होगा फंडिंग की अगर हम बात करें तो इसके लिए कोई अलग से फंडिंग नहीं ली दी जाएगी मनी uh, जो कि समग्र शिक्षा स्कीम uh, के लिए है उसी में uh, उसी का यूज़ किया जाएगा समग्र शिक्षा स्कीम uh, की मनी का ही यूज़ किया जाएगा और अभी रिसेंटली 2021 के बजट में समग्र शिक्षा के बजट uh, के बजटरी एलोकेशन में थोड़ा कमी भी देखने को मिली थी तो दैट इज़ समथिंग कॉन्ट्राडिक्टी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट्री है तो यहाँ पर एक क्रिटिक भी हो सकता है कि आपने स्कीम तो बना दी है लेकिन उस स्कीम के लिए फंडिंग का प्रॉपर आपको व्यवस्था करनी चाहिए ऐसा नहीं है ना अब इसकी नीड क्या है देखो नीड नीड क्या है थोड़ा नीड भी डिस्कस कर लें तो नीड इसकी ये है कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी है एंड बेसिक न्यूमरेसी है वो एक तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का बिल्कुल एम भी है ठीक है ना ये एम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअल में जब आप किसी को जज करते हैं कि वो पढ़ा लिखा या नहीं तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये आपके फिर सॉफ्ट पावर में प्ले करने लगती है ना ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये आपकी सॉफ्ट पावर को बढ़ाती है अगर आपकी आपकी कंट्री की लिटरेसी हंड्रेड आ जाए तो आप वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे ना आप फेमस हो जाएंगे क्योंकि आपकी वो सॉफ्ट पावर के रूप में काम करेगी तो दैट इज अ थिंग दूसरी जो न्यूज हम डिस्कस करेंगे वह प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में अभी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है इसको प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना भी कहा जाता है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना भी कहा जाता है अब इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें तो स्ट्रेंथ ऑब्जेक्टिव क्या है देखो जो क्रिटिकल हेल्थ केयर नेटवर्क है विलेजेस से लेकर के ब्लॉक तक से ब्लॉक तक का एंड ब्लॉक से लेकर के डिस्ट्रिक्ट तक का यानी कि जो क्रिटिकल हेल्थ केयर का नेटवर्क है उसको डेवलप करना है अगले चार पाँच सालों के अंतर्गत अभी क्या है अभी कहीं पे तहसीलों में हॉस्पिटल नहीं है तो कहीं ब्लॉक में नहीं है तो कहीं डिस्ट्रिक्ट uh, में ही नहीं है कहीं uh, इस तरीके की हालत है और वो चीज़ हमको दूर करनी है तो विलेज लेवल से लेकर के पूरा आपका ब्लॉक uh, लेवल तक और ब्लॉक लेवल से लेकर के पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का आपका हेल्थ क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा एकदम नेटवर्क होना चाहिए ठीक है ना अगला इसका है एक ऐसा हेल्थ सिस्टम डेवलप करना और ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करना जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर लेवल पे बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहे और फ्यूचर में अगर कोई पैंडमिक आता भी है कोई डिज़ास्टर आता भी है तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें जैसे आ, बिल्कुल हम लोग ऑफ़ गार्ड काट कर लिए गए थे ड्यूरिंग द कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन के टाइम में हम ऑफ गार्ड थे मतलब हम तैयार नहीं थे उस चीज़ के लिए और वहाँ पर काफ़ी मुसीबतें फिर हमको देखने को मिली और हमने देखा कि किस तरीके से हॉस्पिटल बेड्स कम है ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम है सारे और यही सारी चीजें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी हमको कोविड में देखने को मिली वो इस आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के द्वारा हम कम करना चाहते हैं सो दैट इज द बेसिक एम ऑफ दिस इसके अलावा इसका एक और एम ये भी है कि ऐसी लेबोरेटरीज सेटअप करना जो कि सर्विलाेंस का, का काम कर सकें हेल्थ सर्विलेंस का काम कर सकें तो बेसिकली यहाँ पे हेल्थ सर्वेलेंस का एक टर्म आपको यूज करना पड़ेगा हेल्थ सर्विलाेंस को आई इनेबल्ड सोल्यूशंस के थ्रू हेल्थ सर्विलाेंस करना ताकि जो अगर कोई पैंडमिक की िटी बनती है तो ये सारी चीजें पहले से प्रिडिक्ट की जा सके और इनको फिर ट्रीट किया जा सके मिटिगेट किया जा सके की कंपोनेंट क्या क्या, क्या रहेंगे इस स्कीम के तो ऑब्वियसली से बात है पहले एलैबरेट डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज आपको क्रिएट करनी है मतलब आपको डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे दूसरा आपको डायग्नोसिस का के लिए बेसिकली कहा है कि पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाई जाएंगी एंड ब्लॉक्स को भी पब्लिक हेल्थ यूनिट्स दिए जाएंगे तो इस तरीके से लेबोरेटरीज का भी क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा है इस स्कीम के अंतर्गत तीसरा एस्पेक्ट इसका है कि एकेडमिक्स uh, में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया जाएगा ताकि इस पैंडमिक्स को स्टडी किया जा सके और इस पर रिसर्च की जा सके तो पैंडमिक्स के ऊपर रिसर्च और इसके लिए भी स्टडी पर्पस को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है Uh, आगे देखें नीड ऑफ द स्कीम की अगर हम बात करें कि क्या जरूरत है तो 2020 की जो ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा था कि इंडियाज हेल्थ बजट इज द फोर्थ लोएस्ट इन द वर्ल्ड इंडिया का जो हेल्थ बजट है वो फोर्थ लोएस्ट है वर्ल्ड का और हमारी नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश इंडिया से ज्यादा खर्च करती है अपने यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसके साथ ही हमारे यहाँ के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डिप्लोरेबल कंडीशन है बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन है आप बोल सकते हैं एंड वही है कि इंडिया के पास लगभग 1.4 बेड्स हैं फॉर पर 1000 पीपल मतलब 1000 लोगों पे हमारे पास केवल डेढ़ बेड अवेलेबल है 1445 लोगों में केवल एक डॉक्टर अवेलेबल है 1000 लोगों में केवल एक दशमलव सात नर्स अवेलेबल है और ये सारे जो हैं डब्ल्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कम है डब्लू का जो स्टैंडर्ड पैरामीटर ना उससे बहुत ज्यादा कम है तो कहना चाहिए कि हमको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करने की जरूरत है ताकि हम एटलीस्ट ग्लोबल एवरेज के रूप में आ सकें ग्लोबल एवरेज में भी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा काम कर लेंगे तीसरी जो न्यूज है वो है जी अब जी क्या है ग्रीन डे अहेड मार्केट जी

और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो क्या कर सकती है बाय और सेल कर सकती है रिन्यूएबल एनर्जी को ठीक है ना वो क्या कर सकती है बाय एंड सेल कर सकती हैं रिन्यूएबल एनर्जी को थ्रू ओपन एक्सेस ऑन अ डे अहेड बेसिस ठीक है ना तो डे अहेड बेसिस क्या होता है डे हेड का मतलब होता है या तो एक दिन पहले और एक दिन uh, उसके पहले मतलब वन डे प्रायर टू और वन डे अर्लियर देन मतलब एक दिन पहले ठीक है डे अहेड डे अहेड का मतलब क्या होता है वन डे अर्लियर ठीक है ना एक दिन पहले ठीक है तो दैट इज अ थिंग इस बेसिस पे ये बाय या सेल कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को अब ये एक तरीके से ग्रीन डे अहेड मार्केट जो रहेगा ये इंटीग्रेटेड मार्केट की तरह काम करेगा डे एहड मार्केट की तरह काम करेगा और यहाँ पे एक्सचेंजेस में क्या होगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो रहेंगे उनको बिड्स लगाने के लिए कहा जाएगा फॉर कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू द सेपरेट बिडिंग विंडोज अलग अलग बिडिंग विंडोज से वो बिड कर सकते हैं एंड जो क्लियरेंस रहेगा वो सिक्वेंशियल मैनर में क्लियर किया जाएगा है ना तो दैट इज़ थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट एंड यहाँ पे फिर स्टेट रन जो रीन्यूबल्स हैं पहले उनको क्लियर किया जाएगा तो इनकी ब्रीडिंग होगी और इसके बेसिस पे ये एलोकेट किया जाएगा डे अहेड बेसिस पे ठीक है ना दैट इज़ अ थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट ग्रीन डे अड मार्केट याद रखना ग्रीन डे अहड मार्केट इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो वो है जनरेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो रिन्यूएबल एनर्जी को बाय या सेल कर सकती है इस मार्केट प्लेस पर ठीक है ना तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट ये आप याद रख सकते हैं ठीक है इसको आप जीएस थ्री वाले पार्ट में लिख लेना आपने अगर आपको नोट्स में कंफ्यूजन होता है तो ग्रीन डे हेड मार्केट जो है ना वो आपका जीएस थ्री का एनर्जी वाला जो पार्ट है ना वहां पे आएगा ठीक है ना ये कन्वेंशनल डे हेड मार्केट के रूप में काम करेगा याद रखेगा और दैट इज अ थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगे मूव करते सुप्रीम कोर्ट टू पास ऑर्डर ऑन प्लीज इन पैगेस केस पैगसेस आप सबको पता होना चाहिए पैगेस एक सॉफ्टवेयर था जो कि स्पाईवेयर के रूप में काम कर रहा था इट वाज स्पाइंग एंड ऐसा कहा जा रहा है कि ये इजरायली एक कंपनी है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको यूज़ किया है परचेज किया तो काफी प्लीज इसके ऊपर आए थे ये अलेजड था एंड मेनी प्लीज वर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी टाइम दिया सेंटर को तो रिस्पॉन्ड ऑन दैट बट अभी सिंस सेंटर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इसलिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी ना उनका ये कहना है कि नाउ वी हैव टू फॉर्म द कमेटी अब वो क्या करेंगे जो uh, उनका डिसीजन था पहले ही कि सिंगल पर्सन कमेटी बनाई जाएगी आई थिंक सिंगल पर्सन कमेटी बनाई जाएगी एंड दैट विल लुक अहेड वेदर इट वॉज इन रियलिटी दैट पैगसेस वॉज यूज टू स्पाई ऑन वेरियस पर्सनलिटीज टू स्पाई ऑन वेरियस पर्सन और नॉट ठीक है ना अगली है अपडेटेड एनपीआर फॉर्म्स रिटेन कंटेंशियस क्वेश्चन अब यहाँ पर है अपडेटेड एनपीआर मतलब एनपीआर आपको पता है ना नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर देखो दो चीजें होती हैं एक होता है एक होता है एनआरसी एक होता है एनआरसी और एक होता है एनपीआर एनपीआर ठीक है ना पहले तो मैं बेसिक डिफरेंस आपको बता दूं कि एन में जितने लोग सिटीजन्स हैं इंडिया के ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया दे फाइंड देयर नेम मशन इन द एनआर सी एन आर सी है नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स तो इसमें जो लोगों का नाम होगा वो सारे सिटीजन्स होंगे लेकिन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आपका सिटीजन्स प्लस रेसीडेंट्स दोनों के नाम रहेंगे सिटीजन्स प्लस रेसिडेंट्स दोनों के नाम रहेंगे अब एन पी आर में अगर मैं आपको क्लियर टर्म से बताऊँ बिल्कुल ईजी टर्म से बताऊँगा अगर मैं आपके आपको एन पी आर में किसका नाम रहेगा एन में हर उस व्यक्ति का नाम रहेगा जो या तो छ महीने इंडिया में रह चुका है या अगले छह महीने इंडिया में रहने का प्लान कर रहा है सो आइदर ही हैज़ लिव्ड इन इंडिया फॉर मोर देन सिक्स मंथ्स और ही इज प्लानिंग टू लिव इन इंडिया फॉर मोर देन सिक्स मंथ तो बोथ विल बी इंक्लूडेड इन एनपीआर। जरूरी नहीं कि ऐसे हर व्यक्ति सिटीजन हो क्योंकि अगर वो सिटीजन होगा तो फिर उसका नाम इसमें भी रहेगा और एनआरसी में भी रहेगा है ना तो एनआरसी जो रहेगा वो उससे ज्यादा ब्रॉड होता है एनपीआर अगर आपसे पूछे कि एन ज्यादा बड़ा होता है कि एनआरसी तो एनपीआर ज्यादा बड़ा है क्योंकि यहां पे सिटीजन भी आ रहे हैं और इसमें आपके रेजिडेंट्स भी आ रहे हैं लेकिन आपका एनआरसी में केवल सिटीजन आ रहे हैं तो यह आपको पता होना चाहिए अब अगर मैं आपसे पूछू कि क्या ये पहली बार है जब ये एनपीआर की एक्सरसाइज की जा रही है तो नहीं ये पहली बार नहीं है दो में ऑलरेडी एनपीआर का रजिस्टर बनाया जा चुका है ना केवल दो में ऑलरेडी एनपीआर का रजिस्टर बनाया जा चुका है बल्कि दो में उसको अपडेट भी किया जाता आ चुका है 2015 में इसको अपडेट भी किया गया था तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस फैक्ट एज वेल और अभी जो सेंसस होने वाला है जो सेंसस एक्सरसाइज है उसके ही उसमें दो चरण होते हैं एक्चुअली में पहला चरण होता है उसमें एक एक तो चरण होता है इसमें हाउस इन्यूमरेशन का हाउस लिस्टिंग का और दूसरा उसमें जो चरण होता है वो होता है आपका पॉपुलेशन इन््यूमरेशन का सेंसस के दो पार्ट होते हैं तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंसस के दो पार्ट होते हैं जिसमें एक पार्ट होता है आपका पॉपुलेशन का और दूसरा हाउसेस का पहला पार्ट हाउसेस का ही होता है तो एक पार्ट तो उसमें हो गया आपका हाउस इन्यूमरेशन का और दूसरा पार्ट हो गया आपका पॉपुलेशन इन््यूमरेशन का तो ये सारी चीजें आप याद

रिगार्डिंग दिस एन पी आर एक्सरसाइज एज वेल आपको समझ में आ गया होगा आई होप यू गॉट क्लैरिटी तो इसी तरीके से हम अच्छे से सब चीजें जानते हैं सारी चीजें करके जानेंगे ना तो आई होप यू गॉर्ट क्लैरिटी आगे देखते हैं मूव करते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में और डिस्कस करना है तो एडिटोरियल पार्ट में आते हैं ऑब्वियसली आते हैं हम एडिटोरियल पार्ट में आएंगे इसमें जो आज हम पहला एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वाई इंडिया स्टूडेंट साइन ऑन द नेट जीरो सबसे पहले बेसिक थीम आर्टिकल की क्या है आर्टिकल की बेसिक थीम यह है कि ऑथर ने कहा है कि इंडिया को नेट जीरो की डेडलाइन नहीं डिक्लेयर करनी है कि कार्बन न्यूट्रल हम कब होने वाले हैं वी शुड नॉट डिक्लेयर व्हेन वी आर गोइंग टू गो कार्बन न्यूट्रल हम जो स्टेप्स कर रहे हैं वो ऑलरेडी अच्छे कर रहे हैं एंड वी शुड कैरी फॉरवर्ड देम हां हमको और प्रयास जरूर करना चाहिए कि क्लाइमेट uh, चेंज को हम रोक सके हमको और प्रयास करना चाहिए कि हम और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकें बट गिविंग अ नेट जीरो डेट दैट दैट इज शुड नॉट बी ऑन द टेबल दैट शुड नॉट बी ऑन द कार्ड्स ठीक है ना तो ये हमको क्लियर ऑथर ने सेंट्रल थीम यही है दूसरी चीज अगर हम देखें एक एक करके कि क्यों ऑथर ने ऐसा कहा है तो ऑथर ने ऐसा ये कहा क्यों कहा वाई वी शुड नॉट गो फॉर अट जीरो कार्बन एमिशन ऐसी कोई डेट क्यों नहीं होनी चाहिए तो इसका इसके रीजन क्या है तो पहला अब एक एक करके आप रीजन समझ लो पहला रीजन जो ऑथर ने कहा है वो ये कहा है कि अगर हम पर कैपिटाइमेशन इंडिया का देखें पर कैपिटाइमेशन इंडिया का देखें तो दैट इज वेरी लेस दैट इज लेस देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड मतलब वो वर्ल्ड के एवरेज का हाफ है पर कैपिटा एमिशन ऑफ इंडिया पर कैपिटा कार्बन एमिशन ऑफ इंडिया इज लेस देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड एवरेज पहली चीज तो ये तो इवन इफ वी गो कार्बन न्यूट्रल अगर हम कार्बन न्यूट्रल हो भी जाए तो भी वी वॉन्ट बी कंट्रीब्यूटिंग मच टूवर्ड्स द ओवरऑल टारगेट जो टारगेट है टेम्परेचर को कम करने का यानी कि डेढ़ डिग्री से कम करने का जो टारगेट रखा गया है पेरिस डील का तो अगर हम पूरा कार्बन एमिशन कम कर भी दें तो भी हम ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत कम पर कैपिटा कार्बन एमिशन हमारा बहुत कम है ठीक है ना दूसरी चीज जो यहाँ पे ऑथर ने बताई है सेकंड चीज की क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज अभी जो है उन्होंने डेडलाइन दी है 2050 की मान लो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेडलाइन दे रहे हैं 2050 की और 2050 तक वो ऑलरेडी इतना ज्यादा एमिट कर चुके होंगे कि वो ऑलरेडी टारगेट को ओवरशूट कर जाएगा मतलब कि 2050 जो उन्होंने डेडलाइन दी हुई है ना कार्बन न्यूट्रल होने की तो उस डेड तक जाते जाते ही वो इतना ज्यादा एमिट कर लेंगे कि ऑलरेडी जो टारगेट है वो क्लियर हो जाएगा वो क्रॉस हो जाएगा है ना तो यहां पे देखो लिखा हुआ है कि इवन इफ दे गो फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी टिल टू थाउजेंड फिफ्टी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ऑलरेडी 500 बिलियन टन से ज्यादा हो जाएगा दे विल एमिट मोर देन 500 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो ये ऑलरेडी टारगेट को ओवरशूट कर देगा चाइना यूएस और यूरोपियन यूनियन जो तीन सबसे बड़े एमिटर्स हैं वो है चाइना यूएस और यूरोपियन यूनियन अगर कंट्री वाइज देखें तो चाइना यूएस और इंडिया आता है लेकिन अगर ग्रुप्स को भी हम इंक्लूड कर दें तो चाइना यूएस और यूरोपियन यूनियन आ जाता है फिर उसके बाद है ना तो ये अगर हम देखें तो इस ये लोग ऑलरेडी फाइव बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कर देंगे तो ऐसे में टारगेट ऑलरेडी पूरा नहीं हो पाएगा तो हम अलग से अपना नेट जीरो करके रखें अब एक और इंपॉर्टेंट चीज एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको क्यों नहीं डिक्लेयर करना चाहिए बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज हैव नॉट देयर प्रॉमिस डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं की पहला तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 100 बिलियन डॉलर का फंड देंगे 100 बिलियन डॉलर की फंडिंग अगर वो देते तो हम चलो कम से कम दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी ढूंढ लेते अगर वो हमको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते तो हम चलो कर लेते लेकिन जब उन्होंने अपनी प्रॉमिस पूरी ही नहीं की जब पहले ही कहा गया था कि सी का प्रिंसिपल रहेगा यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रिंसिपल रहेगा कि डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों ताकि डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा सिबिलिटी उठाएं और डेवलपिंग कंट्रीज थोड़ा कम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं बट लास्ट में आप तो अब सबको एक ही वन शू फिट्स ऑल वाली स्ट्रेटी अपना रहे हो कि सबको एक ही जूते पहना दो सबको एक ही स्ट्रेटेजी पे रख दो एक और कहावत है ना कि सारे सर काट दो ताकि जो हैट है वो सबके सरों में फिट हो जाए है ना कभी क्या होता है कि एक हैट जो है किसी एक के सर में आएगी दूसरे के सर में नहीं आएगी तो कहावत है कि सारे सरों को ही काट दो ताकि जो हैट है वो सबको बराबरी से फिट हो जाए तो so, ये जो एटीट्यूड है ना दैट शुड नॉट बी द केस इन दिस रिगार्ड एंड दैट इज द रीजन वाई ऑथर ने कहा है कि हमको एक डेट नहीं डिसाइड करनी चाहिए चौथा रीजन अब चौथा रीजन देख लो क्या बिल्कुल हम बन एक एक रीजन वाइज बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर सको और अच्छे से पॉइंट आप हाईलाइट कर सको चौथा रीजन ये कि इंडिया अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे है जहां पे मोस्टली जो प्रोडक्शन होता है वो होता है कार्बन यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू जिसमें कोल का यूज किया जाता है तो इंडिया में अभी भी एक डेवलपिंग स्टेज पे है और इंडिया में मोस्ट ऑफ द मतलब एट सेवेंटी परसेंट प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो थर्मल पावर प्लांट से किया जा रहा है अगर हम कार्बन न्यूट्रल होने की बात करते हैं इसका मतलब है कि हमको अभी आगे आने वाले पांच छह सालों में सारे अपने थर्मल पावर प्लांट्स बंद करने पड़ेंगे तो उसका अल्टरनेटिव हमारे पास अभी इकट्ठा नहीं हुआ है वी डोंट अल्टरनेटिव फॉर दैट एंड इज द रीजन व्हाई वी शुड नॉट गो फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी एज ऑफ नाउ तो ये सारे रीजंस हैं। अब ऑथर ने ये बताया कि हमको करना क्या चाहिए देन व्हाट इंडिया मस्ट डू हमको करना क्या चाहिए तो पहला जो हमको करना चाहिए वो यही है कि 450 गीगावाट जो हम इलेक्ट्रिसिटी uh, जनरेट करना चाहते हैं 2030 तक उसके लिए हमको आगे प्रयास करना चाहिए कि हम 450 फिफ्टी गीगा वॉट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करें दूसरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हम यूज़ करना शुरू करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हम प्रमोट करना शुरू करें दैट इज़ द सेकंड थिंग तीसरा है कि हम डेवलप्ड uh, कंट्री से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाएं डेवलप्ड कंट्री से टेक्नोलॉजी लें डेवलप्ड कंट्रीज से फंडिंग लें और फिर आगे अपने कुछ सोर्सेज डेवलप करें भाई इलेक्ट्रिसिटी के या कुछ ऐसे अल्टरनेटिव सोर्सेज डेवलप करें ये हमको करने की ज़रूरत है इसके अलावा आ, हमको अपना फेयर शेयर जो हमको मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी कार्बन एमिशन का वो हमको एमिट करते रहना चाहिए और आ, उसमें निगेटिवली करो हाँ जैसे कार्बन मार्केट है ना कि आपको दस क्रेडिट अगर दिया है कि चलो आप दस क्रेडिट तक कार्बन एमिट कर सकते हो तो आप नौ नौ तक कार्बन एमिट करो ना कम करो जितना आपको एलोकेट हो उससे कम आप एडमिशन करो तो वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा अच्छा स्टेप रहेगा और दूसरी चीज एक और चीज है वर्ल्ड के लिए भी ऑथर ने कहा है कि भैया 2050 बहुत दूर हो जाएगा अगर आपको एक्ट कर रहे हैं ना तो 2030 तक एक्ट करो जो असेसमेंट रिपोर्ट सिक्स में दिया गया है तो ओवरऑल ये भी सजेशन है कि अगर आपको एक्चुअल में आप चाहते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करना तो आपको दो तक ही दो तक ही आपको जो पैंतालीस रिडक्शन कहा गया है कि दो लेवल का पैंतालीस कार्बन एमिशन रिड्यूस वो करके दिखाओ है ना हनी सिंह वाला ये करके दिखाओ है ना तो अगला है प्रिपेयरिंग फॉर आउटब्रेक्स तो यहां पे वही चीजें जो मैंने फ्रंट पेज में आपको बोली थी एग्जैक्टली exactly वही चीजें इस आर्टिकल में लिखी हैं आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो कि रोबस्ट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा तो जो मैंने चीजें ऊपर बताई थी ना कि लैब्स बनाई जाएंगी मैंने आपको बताया था डायग्नोस्टिक सेंटर बनाए जाएंगे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेकेंडरी ट्रिशरी हेल्थ केयर के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे उनका एक नेटवर्क बनाया जाएगा फिर आई टी सर्विलांस के बारे में आपको बताया कि हेल्थ सर्विलांस करने के लिए बनाया जाएगा लैबोरेट बनाई जा रही है, है ना ये सारी चीजें ही इस आर्टिकल में, में, में I hope you got clarity. तो ये आर्टिकल सेम वही आर्टिकल है कोई अंतर नहीं है आपने जो ऊपर पढ़ा है वही चीज यहां पढ़ी है अपडेटेड एनपीआर फॉर्म्स अपियर टू रिटेन द कंटेंशियस क्वेश्चन अब ये जो आर्टिकल है इसमें ये लिखा गया है कि जो ऊपर मैंने एनपीआर के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी ना अब जो एनपीआर का फॉर्म बना है ना उसमें अभी भी कुछ कंटेंशियस क्वेश्चन रखे गए हैं अब वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो क्वेश्चन ऐसे कि आपको आपके आ, फादर एंड मदर का लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस बताना पड़ेगा उनका प्लेस ऑफ बर्थ बताना पड़ेगा तो ये सारी चीजें कुछ कंटेंशियस क्वेश्चन थे जो अभी भी रिटेन किए गए हैं जो अभी भी है इसमें आपको जैसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा नेम ऑफ द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट इफ द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ फादर एंड मदर इज इन इंडिया एंड मेंशन द कंट्रीज नेम इफ नॉट मतलब कि अगर वो इंडिया में पैदा हुए तो ओ, के माता पिता का भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बताओ और ओ, दूसरी चीज की अगर वो इंडिया में नहीं पैदा हुए तो उस कंट्री का नाम बताओ तो जहां वो पैदा हुए तो कुछ लोगों को इसमें डाउट था कि अगर इस तरीके से कहीं हमारी लीनियज कहीं और ट्रेस होती है तो कहीं हमको ना उसका इंपैक्ट देखने को मिले तो ये सारे कुछ डाउटफुल थे देन इसमें और और भी जैसे कि रिलेशनशिप टू द हेड ऑफ़ द फैमिली वेदर डाइवोर्ड विडोल और सेपरेटेड मदर टंग इफ वर्कर कल्टिवेटर लेबर गवर्नमेंट एम्प्लॉई डेली वेज अर्नर फिर इसके अलावा कुछ कॉलम्स आधार मोबाइल वोटर आई ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ये सारी अगर अवेलेबल हैं तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है ना तो ये कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जो नीड नीडेड रहेंगे एंड एक सेक्शन 15 है सेंसस एक्ट 1948 का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसको नोट्स में अपने ऐड कर लो है ना सेक्शन 15 है आपका किसका सेंसस एक्ट 1948 का जो कि कहता है कि सारे इंडिविजुअल ऑल इंडिविजुअल लेवल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन सेंसस

डेटा रहता है वो केवल रिलीज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स को ठीक है ना तो तो ये आपको तो एक चीज याद सेक्शन 15 बोलता है किसका एक्ट 1948 का ठीक है क्या बोलता है कि जो भी डेटा इंडिविजुअल लेवल का जो डेटा कलेक्ट किया जाता है सेंसस के दौरान वो आपका कॉन्फिडेंशियल रहता है और केवल जो एग्रीगेटेड डेटा मतलब कि सारे दस लोग का डेटा कर लिया तो इंडिविजुअल डेटा तो कॉन्फिडेंशियल हो गया लेकिन अब ये ओवरऑल जैसे दस लोग हैं पढ़े लिखे छह हैं नहीं पढ़े लिखे चार हैं ये नहीं बताएंगे कौन से पढ़े लिखे कौन से नहीं पढ़े वो एग, वो इंडिविजुअल डेटा हो जाएगा ठीक तो है लेकिन एग्रीगेटेड डेटा रिलीज कर दिया जाता है तो होम मिनिस्ट्री ने पहले भी कहा था कि जो एनपीआर में डेटा कलेक्ट होगा इट इज इट विल बी शेयर्ड विद

सेलिब्रेशन uh, किया पाकिस्तान की जीत का तो उनको सेक्शन थर्टीन यू एंड सेक्शन वन जीरो फाइव एंड फाइव जीरो फाइव ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग uh, वो किया गया उनको चार्ज किया गया है अब मैंने उस दिन पहले ही कह दिया था जब आप लोग को कि मैच के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेगा तो ये लोग तो फिर नाच ही गा रहे थे और ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हिपोक्रेसी है ऐसे लोगों की मतलब ऐसे लोगों को बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को जस्ट कि हाँ वो पढ़ने वाले बच्चे हैं ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए स्टेट को क्योंकि अगर आप इतना समझ रहे हो आपके अंदर इतना दिमाग है कि आपको क्या क्या करना है क्या कहना है किसको सपोर्ट करना है तो आप उसे कंसिक्वेंस भी खुद ही फेस करें दैट इज़ वॉट आई बिलीव आई पर्सनली बिलीव दूसरी चीज आप जब स्टेट मशीनरी का हर चीज यूज कर रहे हैं आप स्टेट मशीनरी में पढ़ रहे हैं क्योंकि वो वीडियोज मैंने भी देखे हैं और मैं बता सकता हूं कि दे आर नीट ग्रेजुएट वो नीट के स्टूडेंट्स हैं जो कि नीट के थ्रू आए हैं जो कि एक इंडियन स्टेट में एग्जाम किया कंडक्ट किया जाता है जिसमें इंडियन मशीनरी लगती है लड़कियों के भी वीडियो आए हैं जो कि फ्री में फॉर्म भरती हैं लड़कियों के भी वीडियो आए हैं जो कि फ्री में कई लोग कई लोग पढ़ रहे हैं जब आप सारी स्टेट मशीनरी इंडियन यूज कर रहे हैं देन हाउ कैन यू मतलब इवन थिंक ऑफ सेलिब्रेटिंग विक्ट्री ऑफ कंट्री दैट हैज अ वेरी बैड पास्ट अगर चलो ठीक है मतलब ये आप सपोर्ट किसी को भी कर सकते हो लेकिन आप इस तरीके से स, आपका जो मी जो मतलब की जो मोडस ऑपरेंडी था दैट वाज वेरी बैड दैट वॉज हाईली इंसल्टिंग फॉर इंडिया एंड वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी दैट शुड नॉट हैपिन द केस तो आप लोगों को जो कंसिक्वेंस है वो फेस करना चाहिए करना पड़ेगा इन फैक्ट एंड मैं मतलब मेरी तो यही गुजारिश रहे कि जो भी माननीय न्यायालय इसको देखें तो दे शुड लुक इट फ्रॉम दैट प्रिज्म प्रिज्म ओनली कि अगर ये लोग स्टेट की मशीनरी का यूज कर रहे हैं बे बिल्कुल मतलब रेशनल रीजंस मैं आपको दे रहा हूँ मैं आपको इरेशनल बातें नहीं बताऊंगा कि ठीक है इतना पेट्रोलॉटी देखो पेट्रोलॉटिज्म सब अच्छी बात है लेकिन अगर मैं लीगली बात करूं अगर मैं बिल्कुल लॉजिकली बात करूं तो ये सब वो लोग हैं जो स्टेट मशीनरी का यूज कर रहे हैं स्टेट मशीनरी का बेनिफिट उठा रहे हैं स्कीम्स का बेनिफिट उठा रहे हैं कई बार फीस नहीं दे रहे हैं फी वेवर पा रहे हैं और इसके बावजूद ये एक ऐसी कंट्री का सपोर्ट कर रहे हैं जिसका इंडिया के साथ एक बहुत ही बुरा पास्ट रिकॉर्ड रहा है इट हैज़ अ वेरी बैड हिस्ट्री है ना तो ये नॉर्मल कंट्री को नहीं चैन कर रहे थे ये ऐसी कंट्री को चैन कर रहे थे जिसका एक बुरा पास्ट रिकॉर्ड रहा है एंड दैट वॉज बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन दैट वॉज बियॉन्ड माई मतलब कि पेशेंस वाली जो मेरी नर्व थी ना वो ही फटने वाली थी मतलब ऐसा हो गया था कि वो वीडियो देख करके मेरी जो खुद की जो पेशेंस की नस होती है वो फटने वाली थी तो ये लोग मतलब बढ़िया अच्छी न्यूज थी कोई इसमें, कोई इसमें बुराई नहीं है अगली है फ्रेमवर्क टू मैनेज द ड्रोन ट्रैफिक नोटिफाइड अब ड्रोन का ट्रैफिक मैनेज करने के लिए जो एक हजार फीट के नीचे का एयर स्पेस है याद रखिएगा ड्रोन का ट्रैफिक मैनेज करने के लिए रूल्स जो है वो निकाले गए हैं नोटिफाई किए गए हैं इसमें सबसे पहली जो कंडीशन है कि एयर स्पेस बिलो वन थाउजेंड फीट एक हजार फीट के नीचे का एयर स्पेस है ठीक है ना तो ये रिलीज किसने की है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नोटिफाई किए हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क ठीक है ना ट्रैफिक मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर ड्रोन्स, ड्रोन्स के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है प्राइवेट थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर इंश्योरिंग रूल्स बताएंगे कि किस तरीके से आपको सेफ ऑपरेशन करना है ड्रोन का इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत सबसे पहले आपको याद रखना है अंडर दिस फ्रेमवर्क सबसे पहले यू टी एम एस पी याद रखिएगा यानी कि अनमैंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स अनमैंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स इनको एक्सटेंडेड uh, एक्सटेंड की जाएगी ऑटोमेटेड एल्गोरिदम ड्रिवन सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन तो अभी तक इसमें क्या है वॉइस कमांड्स आती थी यूज़ होती थी अनमैंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को अब उनको एल्गोरिदम ड्राइव किया जाएगा एलगोरिदम से ड्राइव किया जाएगा और ये सबसे पहले मैनेजमेंट का काम करेंगे इसके अलावा एक और होता है ट्रडिशनल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एक दूसरी चीज़ होती है क्या एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होती है इन दोनों को इंटीग्रेट किया जाएगा और

आगे देख लेते हैं एपेक्स बॉडी ऑन साइबर सिक्योरिटी मिसिंग तो यहां पर बस एक सजेशन यह है कि अभी भी इंडिया में कोई भी ऐसी सेंट्रल बॉडी नहीं है जो uh, of of space, नहीं कि पॉसिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफ ऑनलाइन स्पेस यानी कि साइबर सिक्योरिटी के लिए कोई भी नोडल एजेंसी नहीं है सेंट्रल बॉडी नहीं है तो आपको बनाने की जरूरत है अगला है इंडिया नीड्स टू बोल्स्टर इट्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अब यहां पर ए ने रिसेंटली अभी कहा है कि इंडिया को अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और वैसे भी करता हमारी मतलब स्कीम चालू हो ही गई है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की ए आई आई बी ने कह दिया ये आई आई बी सबको पता है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है और इसने ये कहा है कि दो हजार तेईस तक ये क्लाइमेट के चेंज के साथ अपनी पॉलिसीज को अलाइन कर लेंगे और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी ये फंड फाइनेंस करेंगे और फिफ्टी बिलियन डॉलर तक के प्रोजेक्ट्स ये फंड करेंगे बाई ट्वेंटी थर्टी 2030 तक 50 बिलियन डॉलर के फंड्स ये दे देंगे फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड ऑल ए आई आई भी आप सबको तो पता है कि एशियन फ्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है और ये स्टार्टिंग में जब इसकी फाउंडिंग हुई थी तो 57 फाउंडिंग मेंबर्स थे आज की अगर हम बात करें तो 100 से ज़्यादा मेंबर हैं जिसमें एशिया बस के मेंबर नहीं है बाहर के मेंबर्स भी हैं कुछ जी ट्वेंटी के भी मेंबर्स मेम्बर्स हैं। हैंडक्वार्टर इसका बीजिंग में है और इसका ऑपरेशन 2016 से स्टार्ट हुआ ऑपरेशन इसके 2016 से स्टार्ट हुए और बीजिंग में है सौ से ज़्यादा मेंबर हैं जैसे फ्रांस जर्मनी इटली यूनाइटेड किंगडम भी इसके मेंबर्स थे चाइना का सबसे अधिक

की स्केर्सिटी हो गई जो जो सेमीकंडक्टर चिप होती है उसका यूज किया जाता है पैसेंजर व्हीकल्स में वो चिप की कमी आ गई है क्योंकि डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई कोविड के बाद सब अपना पर्सनल व्हीकल चाहने लगे हैं तो ये पैसेंजर व्हीकल्स की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई एंड दैट इज वाई जो चिप्स है उनकी स्केरसिटी हो गई है प्रोडक्शन थोड़ा सा लगभग कम हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट तो ये ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए था सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू लाइक यर वीडियो दैट इज इट फॉर टूडे कीप लविंग एस कीप शेयरिंग एस थैंक यू एंड नाइस डे